Mountaineering tourism. सन की जो रेज हैं वो वाटर पर पड़ती हैं, तो वाटर वेपर्स जो हैं वो उड़कर बादल बन जाते हैं, और बादल जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, और इस तरह वो जब ज़्यादा वाटर वेपर्स बादल में भर जाते हैं तो मतलब जहाँ पे भी वो लोग होते हैं वहाँ पे बारिश होती है, और सर्दियों में वही जो वाटर वेपर्स हैं वो स्नोफॉल की सूरत में नीचे गिरते हैं, और ये जो बारिश है और वाटर वेपर्स हैं वो हमारी ज़मीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और पहाड़ हमारी ज़मीन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर दूसरी जो हवाएं जो हैं वो जब पहाड़ों पे आती हैं तो ये पहाड़ जो हैं उन हवाओं को रोकते हैं, और ये पहाड़ जो है हमारी ज़मीन पे बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर ये पहाड़ नहीं होंगे तो हमारी जो ज़मीन है वो एक सहरा और बंजर ज़मीन बन जाएगी। पहाड़ों का बहुत अहम किरदार है, और हमारा ये मॉडल जो है वो इसी हवाले से है कि हमारे जो ज़मीन पर है वाटर वेपर्स वाटर साइकिल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये माउंटेन बनाया है और इसके ऊपर हमने ग्लेशियर शो किया है, और आज जो डे है वो माउंटेन डे है, और इसका मेन थीम जो है वो है वुमेंस मूव इन माउंटेन है, यानी औरतों का किरदार पहाड़ों में, औरत क्या क्या कर सकती है ये हम आज इस मॉडल के तहत बताएंगे। और हमने ये जो ग्लेशियर बताया है, हम यहाँ एक सबक भी हमने लोगों को दिया है कि हमारी ही पोल्यूशंस की वजह से आज ग्लेशियर जो है पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर पिघलने की वजह से हमको ही नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अगर ग्लेशियर सब पिघल जाएंगे तो हम पानी किधर से मतलब हासिल करेंगे, और ग्लेशियर का होना बहुत ही लाजिमी है हमारे पोल्यूशंस की वजह से और क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफा होता है, और जिसकी वजह से दर्जा हरारत बढ़ जाता है और हमारे जो ग्लेशियर्स है वो पिघल जाते हैं। और जहाँ तक कि ग्लेशियर्स की बात है वो तो गिलगित में भी सबसे ज़्यादा है, और हम ऐसे एरिया में रहते हैं और जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा माउंटेन है, और हम पूरे माउंटेन के गिर्द मतलब हमारे गिर्द माउंटेन है, और जैसे कि हुंजा स्कादू अस्तर हर जगह में ग्लेशियर मौजूद है। आज हमारा जो मेन मकसद ये है कि वोल्केनोस जो है वो किस तरह लोगों को मतलब लोगों को नुकसान दे वोल्केनोस। यहाँ पर हमने दिखाया है कि यहाँ पर नीचे आबादी है, और ये वोल्केनो है जो फटने को मतलब एक्सट्रीम डोरमेंट माउंटेन है। ये क्या है, कभी भी फट सकता है, इसके कोई इम्कान नहीं कि कब फटेगा, लेकिन ये जो है फटने अभी फटने वाला है, और ये फट के जो क्या है क्या कहते हैं ये जो आबादी है उसको तबाह करेगा, यहाँ पर जो लोग हैं उनको भी नुकसान देगा, और यहाँ पर खेत हैं जो पानी है उन सबको भी तबाही देगा। मतलब आज का मेन मकसद ये है कि वोल्केनोस किस तरह लोगों को नुकसान पहुँचाता है, इससे हम ये कहना चाहेंगे कि लोग वोल्केनो के इर्द गिर्द मकान और लोगों को वहाँ मकान और खेती बाड़ी नहीं करनी चाहिए। सर ये इसीलिए बनाए हैं कि ताकि इसके कॉजेज इफेक्ट के बारे में लोगों को पता चले कि इसके क्या क्या खतरात हो सकते हैं। आप लोग ये तो जानते होंगे कि जब वोल्केनोस फटते हैं तो कितना ज़्यादा नुकसान होता है, वो जानी हो माली हो ख्वाह हो हमारा डिफॉरेस्टेशन हो और ये सब चीज़ें इनका भी नुकसान हो जाता है। सर तो मेरी काइंडली ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये जो वोल्केनोस है ये डोरमेंट वोल्केनोस इस चीज़ के बारे में काइंडली आप लोग पता लगाए कि पाकिस्तान में कहाँ पाए जाते हैं, क्या पता कुछ नहीं पता होता है, ये अचानक से एक्टिव हो जाती है और हमारी पूरी आबादी बर्बाद कर देती है। जी सर, क्या पता कि ये कहाँ पर हो, हमें नहीं पता, हम लोगों ने वहाँ पर घर बनाए हो। आप जानते हैं कि ये फटा तो वोल्केनोस के खतरात के बारे में सब लोग इस चीज़ को जानते हैं, तो इस चीज़ के बारे में ज़रूरी आप लोग पता लगाएं कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं ताकि यहाँ पर घर लोग ना बनाएं।